Hello, good morning everyone. This video is for class 6 and today we are going to read chapter 4, that is game creation in scratch. Game creation के बारे में हम लोग पढ़ना है. आज तक हम लोग game खेलते हुए आए हैं. आज इस chapter में हम लोग पढ़ेंगे कि game को बनाया कैसे जाता है. ठीक है, तो ये जो chapter है class 6 के लिए ये बिल्कुल ही नया chapter है. ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा तो समझ में आएगा. सिंस प्रीवियस क्लासेज वी हैव लर्न ए लॉट ऑफ स्क्रैच. यहाँ पे दिया हुआ है प्रीवियस क्लास में, यानी क्लास 5 में आप लोग स्क्रैच के बारे में पढ़े हैं, लेकिन आप लोगों के 5 क्लास में ये नहीं था, इसलिए आपको बोले कि ये जो चैप्टर है क्लास 6 में ये नया चैप्टर है स्क्रैच के बारे में, तो हम लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे. तो दिस चैप्टर विल इनेबल अस टू क्रिएट ए सिंपल गेम इन स्क्रैच. यहाँ पे सिंपल गेम का जो भी लॉजिक होता है, आखिर गेम में क्या लॉजिक है, वो चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इसमें हम लोग गेम बनाएंगे, लेकिन वो गेम जो होगा वो सिंपल गेम होगा, ना कि पबजी और फ्री फायर और भी बहुत सारे मतलब एक्शन गेम हैं, वैसे गेम नहीं बनेंगे. लेकिन हम लोगों को ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट ज़रूर मिलेगा इसमें से, कि जो गेम में कोई भी चीज़ एनिमेशन हो या कोई पिक्चर हो या कुछ भी, हम लोग कैसे मूव कराते हैं या जितना भी डिज़ाइन उसमें होता है वो कैसे होता है. ठीक है, तो इससे हम लोगों को थोड़ा बहुत लॉजिक मिलेगा, सिंपल लॉजिक मिलेगा. फर्स्ट वी हैव ए क्विक रिकॉल ऑफ मेन फीचर्स ऑफ स्क्रैच. यहाँ पे एक रिकॉल देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा मेन फीचर जो है वो क्या है. बुक में आप लोग देखिएगा, यहाँ पे एक इंटरफेस बना हुआ है, स्क्रैच इंटरफेस. इसी तरह का स्क्रैच इंटरफेस आपके लैपटॉप या सिस्टम में बनेगा, दिखेगा, यानी कि स्क्रैच को जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे तो इसी तरह का स्क्रैच दिखेगा आपको. ये स्क्रैच मिलेगा कहाँ, इसको हम लोग ऑनलाइन सर्च करेंगे. ठीक है, ऑनलाइन सर्च कीजिएगा स्क्रैच, वो आपको मिलेगा, उसे हम लोग अपने सिस्टम में डाउनलोड भी कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे इंटरफेस में क्या है, मेनू बार दिया हुआ है, प्ले एंड स्टॉप एनिमेशन कंट्रोल्स, स्प्राइट, ठीक है, मैनिपुलेशन ऑप्शन, स्प्राइट का मैनिपुलेशन ऑप्शंस है, और भी बहुत सारे यहाँ पे दिया हुआ है. इसको हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं कि क्या है स्क्रैच, मेनू बार क्या है, मेनू बार में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेगा. ठीक है, तो स्क्रैच मेनू बार है, दिस बार डिस्प्ले ए सिंपल मेनू नेम फाइल एडिट टिप्स एंड अबाउट. यहाँ पे मेनू बार जो है उसमें हम लोगों को फाइल एडिट टिप्स एंड अबाउट का ऑप्शन मिलेगा, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, स्क्रैच में जो भी आपका रिक्वायरमेंट है वो आप कीजिएगा. इट ऑल्सो डिस्प्ले ए सेट ऑफ आइकन्स टू डुप्लीकेट डिलीट ग्रो श्रिंक. यहाँ पे और भी बहुत सारे आइकन्स दिखता है, जिसमें डुप्लीकेट डिलीट ग्रो श्रिंक एंड गेट हेल्प ऑन द सेलेक्टेड स्प्राइट ऑन द स्टेज. यहाँ पे एक छोटा सा बना हुआ है बार, मेनू बार, उसके राइट साइड में हम लोग देखेंगे यहाँ पे डुप्लीकेट स्टाम्प का जैसा बना हुआ है आइकन, उसको यूज़ करेंगे हम लोग कोई भी चीज़ डुप्लीकेट बनाना है, जैसे कि कोई एनिमेशन है, कोई शेप है, उसका बहुत सारा एक ही का दो तीन चार यूज़ करना है, दो तीन चार पार्ट, जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल तीन चार यूज़ करना है, उस टाइम हम लोग उससे डिलीट डुप्लीकेट बनाते हैं, या कोई उसी से तीन चार बनाए हैं उसमें से कोई डिलीट करना है उसके लिए डिलीट करेंगे. ग्रो श्रिंक सारा चीज़ ये स्क्रैच मेनू बार में ही हम लोगों को मिल जाएगा. नेक्स्ट है स्टेज. स्टेज जो है वो एक वर्क एरिया है, जहाँ पे जो भी हम लोग शेप रखेंगे, यहाँ पे भी कैट दिख रहा है तो उस स्टेज में ही रहता है. देखिए ये क्या होता है स्टेज. स्टेज इट इज़ द प्लेस वेयर यू कीप द स्प्राइट. स्प्राइट जो है वो कैट जो दिख रहा है, या कोई भी कैरेक्टर या कोई भी थिंग या शेप जो भी हम लोग स्टेज के अंदर या वर्किंग एरिया के अंदर रखेंगे वो होता है स्प्राइट. ठीक है, इट इज़ द प्लेस वेयर यू कीप द स्प्राइट डैक टूगेदर मेक योर एनिमेशन. यहाँ पे जो भी हम लोग स्प्राइट रखे हैं, जो कि एनिमेशन को भी साथ में रख सकते हो या रखा जाता है स्प्राइट के साथ. स्टेज ऑल्सो सोन द आउटपुट ऑफ योर एनिमेशन स्क्रिप्ट. ठीक है, जो स्टेज है वहाँ पे हम लोग आउटपुट भी देखते हैं अपने एनिमेशन का, अपने स्क्रिप्ट का. स्टेज डिस्प्ले आइकन्स एट इट्स टॉप. ठीक है, यहाँ पे स्टेज में जो टॉप पार्ट है वहाँ पे कुछ आइकन्स दिख रहा है, वहीं पे आइकन दिखता है जिसका यूज होता है मैक्सिमम रीस्टोरिंग इट
एंड रन एंड स्टॉप, यहाँ पे उसका काम होता है मैक्सिमाइजिंग करने के लिए, रीस्टोरिंग, रन और स्टॉप करने के लिए। जो स्टेज के ऊपर में एक रेक्टेंगल दिख रहा है वो क्या होता है, स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर देगा, मतलब बड़ा कर देगा। एक है रन कराने के लिए फ्लैग दिख रहा है, और रेड बटन दिख रहा है स्टॉप करने के लिए। नेक्स्ट जो है आपका है स्प्राइट, जो अभी हम लोग बताएं, जो भी वर्क एरिया में जो भी शेप या कैट या और भी कोई भी सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल जो भी आप बनाइएगा रखिएगा, वो स्प्राइट है। स्प्राइट जो है होता क्या है, कैरेक्टर्स डैट टुगेदर मेक्स द एनिमेशन आर कॉल्ड स्प्राइट। कैरेक्टर्स वो है जो कि एनिमेशन के साथ होता है, वो स्प्राइट कहा जाता है। जैसे कैट इज़ द डिफॉल्ट स्प्राइट एंड मास्कॉट मास्कॉट ऑफ स्क्रैच 2। यहाँ पे क्या है, एक कैट जो दिख रहा है वो डिफॉल्ट स्प्राइट है और मास्कॉट भी है स्क्रैच का। मोर स्प्राइट कैन बी एडेड फ्रॉम स्प्राइट्स, यहाँ पे बहुत सारे स्प्राइट्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, जो भी स्प्राइट का लाइब्रेरी है उसमें से। देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी, नेक्स्ट आपका टॉपिक है लाइब्रेरी। क्या होता है, वो एक जगह है जहाँ से हम लोग पिक्चर फाइल और भी बहुत सारी चीज़, कैमरा से भी पिक्चर ले सकते हैं, तो वो सारा चीज़ लाइब्रेरी में मिलेगा। वो फ्रॉम एन एक्सटर्नल फाइल ए पिक्चर फ्रॉम अ कैमरा और ए न्यूली ड्रॉन स्प्राइट यूजिंग स्प्राइट पेंटर। लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरीज तो हम लोग पिक्चर उक्चर ले ही सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो स्टेज है वहाँ पे कैमरा से भी कोई पिक्चर ले सकते हैं, स्प्राइट ड्रॉ भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज़ है। वो कैसे बनाएंगे हम लोग, यूजिंग स्प्राइट पेंटर, स्प्राइट पेंटर का यूज़ करके हम लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं स्प्राइट। नेक्स्ट है स्प्राइट पैनल, इट लिस्ट ऑल द स्प्राइट एडेड इन टू द एनिमेशन। स्प्राइट पैनल जो है वो एक लिस्ट दिखाएगा आपका, जितने भी आप स्प्राइट, जितने भी शेप, जितने भी ड्राइंग, जैसे गेम बना रहे हैं तो गेम में बहुत सारा चीज़ पार्ट होता है ना। कोई एक शूटिंग करने वाला होगा, बहुत सारे दुश्मन होते हैं, बहुत सारे कार होते हैं, तो वो जो कार है, दुश्मन है या लोग हैं या और भी बहुत सारे चीज़ जो दिख रहे हैं, वो सारा स्प्राइट है। तो हम लोग स्प्राइट पैनल में वो सभी लिस्ट देखेंगे कि कितना आप स्प्राइट यूज़ किए हैं, लगाए हैं। स्प्राइट पैनल इट लिस्ट ऑल द स्क्रिप्ट ब्लॉक्स डैट आर यूज टू डिज़ाइन द एनिमेशन स्क्रिप्ट। यहाँ पे स्प्राइट पैनल जो है वो जितने भी ब्लॉक स्क्रिप्ट ब्लॉक हैं जो यूज़ किया गया है, कमांड है जो कि यूज़ किया गया है, या एनिमेशन डिज़ाइन यूज़ किया गया, वो सारा चीज़ इस लिस्ट में दिखाएगा आपको। ब्लॉक्स आर अरेंज इन वेरियस कैटेगरीज लाइक मोशन, इवेंट्स, जो भी ब्लॉक है, जो भी कमांड है, वो आप एक अरेंज फॉर्म में रखिएगा, या वो कैसे भी हो सकता है। वेरियस अरेंज फॉर्म मतलब कि आप कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन जब भी होगा वो एक अरेंज फॉर्म में होगा। अरेंज फॉर्म में होने के बाद ही वो अच्छा से प्ले होगा। वो कौन कौन सा कैटेगरी में हो सकता है, मोशन, इवेंट्स, पेन, ETC, इस तरह का बहुत सारा है। स्क्रिप्ट पैनल ऑल्सो कॉन्टेन ए लार्ज वर्क एरिया कॉल्ड स्क्रिप्ट। यहाँ पे जो स्क्रिप्ट पैनल है वो कुछ लार्ज एरिया कवर करता है, अपने अंडर में रखता है, उसको हम लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। एडिटर, एडिटर जो है वो क्या है, एडिटर के बारे में आप लोग वैसे भी जानते होंगे, जो कुछ भी एडिट करने का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको। इन विच एनिमेशन स्क्रिप्ट इज क्रिएटेड बाई ड्रैग ड्रॉपिंग द रिक्वायर्ड ब्लॉक्स। यहाँ पे एडिटर में हम लोग ड्रैग ड्रॉप का यूज़ करके स्क्रिप्ट बना सकते हैं। स्क्रिप्ट जो है वो क्या है, अभी हम लोग स्प्राइट के बारे में पढ़ रहे थे, अभी स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्प्राइट और स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूज़न भी होगा, तो इसको हम अभी समझा देते हैं तुरंत। इट इज़ द सेट ऑफ ब्लॉक अरेंज्ड टू डिफाइन हाउ द डिजायर्ड एनिमेशन शुड वर्क। स्क्रिप्ट इज क्रिएटेड बाई ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लॉक्स फ्रॉम द सेट ऑफ ब्लॉक्स। यहाँ पे स्क्रिप्ट जो है वो एक एरिया है, या उसको आप कमांड समझिए, जिसको हम लोग अरेंज फॉर्म में रखते हैं, कि कैसे आपका जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के हिसाब से ही जो स्प्राइट है आपका वो परफॉर्म करेगा। मतलब इसको मोशन में जाना है, लेफ्ट राइट कहाँ घूमना है। अब यहाँ पे हम लोग दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, जो कि कन्फ्यूज़न बना के रखे हुए है। स्प्राइट जो होता है उसको हम लोगों को हमेशा समझना है, वो एक कैरेक्टर है, या वो तो कैट हो सकती है, बिल्ली,
यहाँ पे दिखाया हुआ है, या कोई शेप हो सकता है, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, या आप गेम में बहुत सारा कैरेक्टर देखते हैं, वहाँ पे कोई आदमी है या कोई गाड़ी है या गन लिए हुए आदमी है, तो वो जो भी कैरेक्टर है उसको यहाँ पे क्या बोला गया है, स्प्राइट, ठीक है। और जो भी हम लोग कमांड दे रहे हैं कि उसको मोशन में रहना है, घूमना है, बैठना है, या लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, वो सारा स्क्रिप्ट है, यानी कि स्क्रिप्ट हम लोग लिखे हुए हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप कमांड दे रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है आपका साउंड पैनल। साउंड पैनल से आप मालूम है, साउंड पैनल से हम लोग साउंड लाइब्रेरी में जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे स्क्रिप्ट लाइब्रेरी में जाके बहुत सारे स्क्रिप्ट ले रहे थे, वैसे ही साउंड पैनल में जाके हम लोग साउंड भी ऐड कर सकते हैं। दिस पैनल प्रोवाइड्स अ सिंपल साउंड एडिटर टू एडिट द साउंड एंड अप्लाई सिंपल साउंड इफेक्ट। साउंड कैन बी एडेड हियर फ्रॉम साउंड लाइब्रेरी। साउंड लाइब्रेरी से जाके हम लोग साउंड को ऐड कर सकते हैं। हम बहुत सारा साउंड रहेगा आपके कंप्यूटर सिस्टम में, वहाँ से ऐड कर लीजिए फ्रॉम कंप्यूटर और बाय डायरेक्ट रिकॉर्डिंग योर वॉइस, या तो कंप्यूटर से भी ऐड कर सकते हैं या रिकॉर्ड करके भी। नेक्स्ट है लंचिंग स्क्रैच। लंचिंग स्क्रैच मतलब कि कैसे हम लोग इसको बनाने के बाद लंच करेंगे। स्टार्ट मीनू, स्टार्ट में जाएंगे हम लोग मीनू में, ऑल प्रोग्राम, स्क्रैच फोल्डर, स्क्रैच ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे एक इसका दिया हुआ है, स्टार्ट मेनू में हम लोग जाएंगे, ऑल प्रोग्राम में, फिर स्क्रैच फोल्डर में जाके स्क्रैच ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पे अब नेक्स्ट देखिएगा, स्क्रैच इवेंट। स्क्रैच में इवेंट जो होता है वो क्या है, इवेंट जो होता है कमांड है, प्रोग्राम है, क्या करता है देखिए। एन इवेंट इज एन एक्शन परफॉर्म्ड बाय यूजर और प्रोग्रामर, ठीक है। प्रोग्राम जो है ये जो भी एक्शन हम लोग देखते हैं, कमांड देते हैं, इवेंट उसको बोला जाता है। फॉर एग्जांपल यूज़र क्लिकिंग विथ माउस ऑन द स्क्रिप्ट, जैसे कि हम लोग माउस से क्लिक करते हैं किसी स्क्रिप्ट पे, ठीक है, या स्प्राइट पे, तो वो क्या होगा, एक कमांड होगी, यानी कि ऑर्डर दे रहे हैं हम लोग, या तो रुकने के लिए या तो प्ले होने के लिए, ठीक है। प्रेसिंग है की ऑन द कीबोर्ड, या कीबोर्ड से हम लोग अगर की प्रेस कर रहे हैं तो ये भी आपका एक क्या है, एक्शन हो गया, एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है कुछ। एंड स्प्राइट ब्रॉडकास्टिंग मैसेज टू अदर स्प्राइट। इट स्क्रैच प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ इवेंट्स ब्लॉक टू हैंडल सच इवेंट। यहाँ पे स्क्रैच जो है वो बहुत सारा इवेंट देता है, कमांड देता है एक्शन परफॉर्म करने के लिए, ताकि आप हैंडल कर सकें स्प्राइट को, जो हाँ जहाँ पे मूव कराना है या जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं आप। यहाँ पे देखेंगे हम लोग इवेंट्स के बारे में और आगे। दे आर फाउंड इन इवेंट कैटेगरी इन स्क्रिप्ट टैब। स्क्रिप्ट टैब्स में आपको इवेंट कैटेगरी मिलेगा। सम मोस्ट कॉमनली यूज इवेंट्स आर, यहाँ पे कुछ मोस्ट कॉमनली यूज इवेंट है जो कि ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो यहाँ पे देखिए आप लोग। When start animation, green flag is clicked. जब भी स्टार्ट करना होगा तो ग्रीन फ्लैग, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये जो एनिमेशन है यहाँ पे एक फ्लैग बना हुआ है, ठीक है, एक रेड बटन बना हुआ है, तो ये फ्लैग बना हुआ है और ग्रीन फ्लैग है, उसी ग्रीन फ्लैग को हम लोग क्लिक करते हैं ताकि आपका जो भी स्क्रैच है वो प्ले हो जाएगा, ठीक है। When a key is pressed on the keyboard, वन द स्प्राइट इज क्लिक्ड, वन स्प्राइट सेंड मैसेज टू ऑल अदर स्प्राइट्स ब्रॉडकास्ट, वन स्प्राइट रिसीव ए मैसेज ब्रॉडकास्ट बाई एनी स्प्राइट। ये सारा जो है क्या है, इवेंट है, यानी कि आप इस तरह का इवेंट लगा सकते हैं कि वन स्टार्ट एनिमेशन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, ऐसा भी इवेंट लगा सकते हैं, जो भी आपका स्प्राइट है या स्क्रिप्ट है वो स्टार्ट कब हो, जबकि ग्रीन फ्लैग को क्या किया जाए, क्लिक किया जाए। इसके अलावा आप वेन ए की इज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड, या कोई कीबोर्ड से प्रेस किया जाए तब स्टार्ट हो जाए, तो इस तरह का कोई भी इवेंट आप लगा सकते हैं एज योर रिक्वायरमेंट, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जैसा आपका, मतलब कि जितने गेम होते हैं सब में डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक होता है, जो आपका इच्छा है वो वैसे आप कर सकते हैं। तो इवेंट का काम ये होता है। इवेंट ब्लॉक्स हेल्प अस टू मेकिंग आवर एनिमेशन इंटरेक्टिव, हेल्प जो कर ये इवेंट जो है हम लोगों को अपने ब्लॉक को अट्रैक्टिव इंटरेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। यूजर कैन
इंटरेक्ट विथ आवर एनिमेशन थ्रू इवेंट्स। और यूजर जो है वो इंटरेक्ट होगा, यानी कि आकर्षित होगा देख के, किसको, इवेंट को ही, इवेंट के थ्रू ही आकर्षित होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूजर कैन क्लिक ऑन द स्प्राइट टू मेक इट ओ मूव, और यूजर कैन प्रेस द एरो की टू मूव ए स्प्राइट इन डिफरेंट डायरेक्शन। यूजर जो है वो स्प्राइट को मूव करने के लिए क्या कर सकता है, कीबोर्ड के एरो की को प्रेस कर सकता है, यानी मूव करने के लिए। यहाँ पे कुछ अब कमांड दिया है नेक्स्ट में, कॉमन मोशन ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे कुछ मोशन ब्लॉक्स है। अभी हम लोग इवेंट्स के बारे में देख रहे थे, पढ़ रहे थे। इवेंट्स जो है आपके स्प्राइट को मूव कराएगा, इससे या उस पर हम लोग एक प्रोग्राम, एक कमांड सेट करते हैं कि आपको कैसे उसको प्ले करना है, या कब कब कहाँ किस टाइमिंग में मूव कराना है, ये सारा चीज़। अब यहाँ पे मोशन के लिए कमांड है, कुछ कॉमन ब्लॉक्स है। तो यहाँ पे देखिए, सम फ्रीक्वेंटली यूज मोशन ब्लॉक्स आर लिस्टेड बिलो। इन इन सारे कमांड्स को, सारे ये जितने स्टेप्स हैं, ब्लॉक्स हैं, उसका यूज़ करके ही हम लोग अपने स्प्राइट को मूव करा सकते हैं। वैसे ही गेम में भी होता है, जैसे कि एनिमेटेड गेम जितने भी देखते हैं आप लोग, या सो सॉरी देखते हैं आज तक पे आता है कभी कभी, तो वो सारे एनिमेटेड क्या हैं, एनिमेटेड स्क्रिप्ट ही हैं। तो वैसे स्प्राइट्स बनाना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मोशन का भी यूज़ करेंगे। मोशन में पहले ही दिया हुआ है मूव 10 स्टेप, 10 स्टेप जो है वो मूव हो रहे वाला है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो दिया है टर्न 15 डिग्री, तो 15 डिग्री यानी कि 15 डिग्री वो मूव टर्न होगा। टर्न 15 डिग्री, दो तरह से टर्न कराया, एक लेफ्ट और एक राइट। गो टू x0 y0, यहाँ पे x डायरेक्शन y डायरेक्शन में 0 0 जाने के लिए बोल रहा है। वैसे ही पॉइंट इन डायरेक्शन 90 90 के डायरेक्शन में वो पॉइंट करेगा कुछ। तो इस तरह का बहुत सारा कमांड है जिसका यूज़ करेंगे हम लोग मोशन के लिए भी, मतलब अपने स्क्रिप्ट को, सॉरी स्प्राइट को मूव कराने के लिए। ठीक है, इसका यहाँ पे मीनिंग भी दिया हुआ है, मूव 10 स्टेप का दिया हुआ है। मूव द स्क्रिप्ट फॉरवर्ड फॉर गिवन स्टेप, जो भी स्टेप दिया हुआ है, गिवन स्टेप यानी कि 10 स्टेप दिया हुआ है, तो 10 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा। यहाँ पे टर्न क्लॉक वाइज जो है ये 15 डिग्री दिखा रहा है, तो टर्न द स्क्रिप्ट क्लॉक वाइज गिवन डिग्री में, तो 15 दिया है तो 15 डिग्री क्लॉक वाइज घूमेगा। और एक है एंटी क्लॉक वाइज 15 डिग्री, जो भी हम लोग वैल्यू यहाँ पे 15 10 20 90 जो भी दे रहे हैं, उसी वैल्यू के हिसाब से वो मूव मोशन करेगा। मोशन का मतलब हो गया मूव करेगा। ठीक है, तो ये सारा हम लोग कमांड का यूज़ करेंगे, जो भी ब्लॉक्स है उसका यूज़ करेंगे, तभी हमारा जो स्प्राइट है वो काम करेगा, नहीं तो वैसे ही रुका रहेगा। जो वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हमारे स्प्राइट में अभी कैट का यूज़ किया गया है, तो वो वैसे ही रुका रहेगा। नेक्स्ट है मेकिंग स्प्राइट्स टॉक टू ईच अदर। अब अगर बात कराना है स्प्राइट्स, जो भी 2 3 4 5 स्प्राइट्स होते हैं, अब उसको टॉक कराना है, जैसे कि सो सॉरी का भी बोले हम, सो सॉरी का एक स्प्राइट दिखता है हम लोग एनिमेशन आज तक पे, तो उसमें क्या होता है 2 3 4 कार्टून टाइप के बने हुए होते हैं आपस में बात करते हुए, वैसे ही यहाँ पे भी दिया हुआ है मेकिंग स्प्राइट्स टॉक टू ईच अदर। तो अगर इस तरह का करना है तो क्या करेंगे हम लोग, कंसीडर द प्रीवियस एग्जांपल ऑफ एप्पल एंड बेटल। ठीक है, लेट अस हेल्प द एप्पल ब्रॉडकास्ट ए मैसेज टू द बेटल एंड देन बेटल शुड रिस्पोंड टू इट। यहाँ पे एप्पल और बेटल है जो कि एक मैसेज दे रहा है और एक रिसीव कर रहा है। कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए, ओपन द प्रीवियस फाइल एंड इन द स्प्राइट पैनल सेलेक्ट द एप्पल। एप्पल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जो भी प्रीवियस पहले से बना हुआ होना चाहिए, तो इसको हम लोग ओपन करके एप्पल को सेलेक्ट करेंगे। ड्रैग ड्रॉप द इवेंट्स ब्लॉक व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड इन द स्प्राइट एडिटर। स्प्राइट एडिटर पे हम लोग क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इवेंट ब्लॉक को, और वहाँ पे जाके एडिट करेंगे। ड्रॉप ड्रैग ड्रॉप द लुक्स, लुक्स को भी हम लोग क्या करेंगे, लुक्स ब्लॉक को सेव फॉर सिक्स, सेव फॉर सिक्स एज सोन हियर। ठीक है,
चेंज द वैल्यू ऑफ सी टू हाई बेटल। यहाँ पे जो पहले से दिया हुआ है सेफ और सेस, ठीक है, तो उसको हम लोग चेंज करके हाई बेटल लिखेंगे। ड्रैग ड्रॉप द इवेंट ब्लॉक ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का भी चेंज करके हम लोग क्या करेंगे, सेट द टेक्स्ट टू हाई बेटल। हाई बेटल इस ब्रॉडकास्ट को हम लोग चेंज करके हाई बेटल कर देंगे बाई यूजिंग न्यू मैसेज ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन ब्लॉक। ड्रॉप डाउन में न्यू मैसेज ऑप्शन को हम लोग यूज़ करके उसको भी चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, क्लिक ऑन द एप्पल टू सेट योर स्क्रिप्ट इन द स्क्रिप्ट पैनल, सेलेक्ट द बैटल, ड्रैग ड्रॉप द इवेंट ब्लॉक व्हेन आई रिसीव डैश इन द स्क्रिप्ट एडिटर एंड सेट इट टेक्स्ट टू हाई बैटल बाई, मतलब कि जो भी हम लोग पहले से लिखे हुए थे यहाँ पे से है, तो यहाँ पे हम लोग उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे मैसेज को, एक जो है वो हाई, वहाँ पे पहले से जो लिखा हुआ है उसको हम लोग डिलीट करके हाई बटन से चेंज करेंगे बाय यूजिंग न्यू मैसेज, न्यू मैसेज ऑप्शन का यूज़ करके हम लोग ये चीज़ चेंज करेंगे। और लास्ट में ड्रैग ड्रॉप द लुक्स बाय सेइंग फॉर सेस एज नोन हियर चेंज द वैल्यू ऑफ से, शे का भी वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे, आई एम हंग्री एंड आई विल ईट यू, और यहाँ पे हाँ लिखना है कि आपका जो भी मैसेज है वो लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लिखा है वही लिखना है। तो यहाँ पे से का वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे, आई एम हैंगरी एंड आई विल ईट यू। तो ये आपस में यही सब बात करेंगे, जो भी हम लोग मैसेज न्यू मैसेज के हेल्प से चेंज कर रहे हैं वही वहाँ पे क्या करेंगे, जितने दो भी जो भी स्टेज में जितने स्क्रिप्ट होंगे वो आपस में बात करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को अभी हम लोग धीरे धीरे आराम से समझेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा नया चैप्टर है, और आप लोगों को समझने के लिए भी स्टेप बाय स्टेप इसको धीरे धीरे समझ सकते हैं। इसको आप लोग प्रैक्टिकली थोड़ा सा एक बार चेक कीजिएगा, अभी जितना भी हम बताएं ऑनलाइन अपने सिस्टम में, अगर जिसके पास भी होगा सिस्टम आप उसको चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन खोलेंगे उसको, ठीक है, scratch.com, और वहाँ से आप उसको यूज करिएगा, उसका इंटरफेस देखिएगा कि कैसा है इंटरफेस, और अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो बनाइएगा भी, जो भी आज बताएं उसके हेल्प से। थैंक यू।